्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरोर्देव महेश्वरा गुरोर्षाक्षात्पारब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः बन्धो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररोपहरी महामोतमपुञ्ज जासु वचन रबिक बड़े सहज भाव से अपनी हथेलियों में थोड़ी सी गर्मी दीजिए रगड़िए और धीरे 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 अपनी आंखों पर रख दीजिए तीन बार ऐसा करें धीरे 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 धीरे, धीरे। आंखें खोल दीजिए और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे लोगों के साथ इस सुंदर प्रयोग का करने का अवसर मिला शवावगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का पहला दिन है और ये मेरे आराध्य की मेरे गुरु महाराज जी की मेरे पर असीम कृपा है कि राष्ट्र की सेवा राष्ट करने का सुंदर सु अवसर दिया है चाहे वो सामाजिक सेवा हो चाहे भारतीय सनातन संस्कृति को सुदृढ़ करने का मौका हो चाहे आराध्य देवादि देव शनिदेव के नाम की महिमा हो या फिर जीवन के इस अद्भुत अनूठी स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का प्रयोग हो ये उनकी दया है ये उनकी कृपा है और इसलिए जीव का एक ही काम होना चाहिए कि गुरुपया लागू नाम लखा यदि जुरे लखा यदि जोरे बता जोरे सतगुरु पहू नाम लखा यदि जोरे हे दाता ये जीव आपकी प्रति शरणागत है वो नाम वो शब्द वो नाद वो अमृत वो ज्योत उसका अनुभव करा दीजिए जीव आपकी शरणागत है दाता आप ही की कृपा से स्व स्वदर्शन क्रिया योग साधना का अनुभव हो सकता है बहुत सी कृपा उन्होंने मेरे पे की स्वगान स्वदर्शन सांभवी क्रिया योग साधना स्वगान स्वदर्शन संजीवनी क्रिया योग साधना स्व स्वदर्शन प्रतिक्रमण क्रिया योग साधना स्व स्वदर्शन स्वदर्शन क्रिया योग साधना स्वगान नाद योग साधना स्वगान स्वदशन ज्योत, अद्भुत अमृत अद्भुत ये बहुत सी साधनाएं हैं जो उनकी कृपा से मेरे जीवन में उतर कर आई और मेरा प्रयास है कि मैं राष्ट्र के लोगों से इन साधनों से अवगत कराऊं और जीते जी जीते जी उस परम का अनुभव मनुष्य जीते जी श्याम का दर्शन करें मनुष्य जीते जी श्याम के साथ जुड़े हम संसार में बहुत कुछ जानते साथियों लेकिन अपने आप को नहीं जानते स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का दूसरा नाम है श्याम को जानना श्याम को साथ श्याम को डूटना श्याम के भीतर में डुबकी लगाना श्याम को श्याम के भीतर में खोजना यह है स्वगान साधना यह स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना जिसमें आप पिछले कुछ देर से बैठे हुए थे मैं देख रहा था कि हर व्यक्ति की एक एक, एक सुंदर सी मुस्कान एक ऐसा संतुष्टि एक ऐसा सुख बरस रहा था बरस रहा था मित्र का एक सवाल है जिन्हें मैं पुनः लेना चाहता हूं गुरु महाराज जी आपकी श्री चरणों में कोटी कोटि नमन हे दाता मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रो उच्चारण से वातावरण से ऐसा कौन सा प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से हमारी संसारिक दुख दूर हो जाते हैं मन स्थिति में सुधार आने लगता है मनुष्य मन बुद्धि से ऊपर उड़ जाता है ऐसा कौन सा प्रभाव मैंने कोशिश की ना कर क्या रहा था यही तो समझा था कि मंत्रों का स्वरूप क्या है उनका प्रभाव डालने की विधि क्या है यदि वास्तव में आपने गौर से सुना होगा तो बहुत सी बातें आप पे स्पष्ट हो गई हैं बहुत सी बातें आपको सहजता से समझ में आ गई होगी अब मैं यह स्पष्ट करने जा रहा हूं कि मंत्रों के प्रभाव के पीछे उस सर्वशक्तिमान सत्ता का अनुग्रह होता है कृपा होती है। जब कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति उस परम सत्ता को याद करते हुए उनके नाम को पुकारता है और शाति शवान शवदशन क्रिया योग साधना के माध्यम से पुकारता है तो उसके प्रभाव से संपूर्ण सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है रोगों से छुटकारा मिल जाता है मन से मुक्ति मिलती है सारी तनाव समाप्त हो जाते हैं और जी हम शवोगान, स्वदशन क्रिया योग साधना का व्यवहारिक पक्ष अपनाते हैं तो तनाव को समाप्त होने की प्रक्रिया स्वतः जारी हो जाती है स्वभावगान स्वदशन क्रिया योग साधना के माध्यम से जब हम भाव से उसे याद करते हैं उस बिंदु पर आकर उस अंतराल पर आकर उस टर्निंग पॉइंट पर आकर जब परमात्मा को मदद के लिए पुकारते हैं तो उन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति भिन्न होती है जो दिव्य तरंगों के साथ मिश्रित हो जाती है तो साधक की आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ हो जाता है साधक उस परमेश्वर को उस परम प्रभु को उस परमात्मा को ईश्वर को अपने निकट नहीं अपने भीतर महसूस करने लगता है और ही वो भीतर में महसूस करने लगता है तो सारी व्याधियां सारे तनाव सारी नकारात्मक सोच समाप्त हो जाती है शव शोदर्शन क्रिया योग साधना के दौरान हमारी आसपास का परिवेश पवित्र हो जाता है इन दिव्य तरंगों को हमारे शरीर में अधिक अवशोषण होता है अधिकतम और जिसका चमत्कारी प्रभाव हमारे शरीर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है हम शारीरिक रूप से हम मानसिक रूप से अपने आप को अधिक स्वस्थ महसूस करने लगते हैं शव अवघान शवदर्शन क्रिया योग साधना के दौरान हमारी संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना और यह अद्भुत है स्वदर्शन क्रिया भाई यदि इस स्वदर्शन प्रक्रिया का 20 मिनट सांसारिक लोग ग्रस्त लोग या चाहे सन्यासी लोग चाहे कोई भी 20 मिनट रोज अपने घर में प्रयोग करे तो जीवन सदा खुशियों से भर जाता है जब स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में हम डूबते हैं तो संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा का परिवर्तन सकारात्मक ऊर्जा में हो जाता है शोगान, शोदर्शन क्रिया योग साधना में जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है वो ब्रह्मांड में अनंत सीमा में स्थित अपने उपयुक्त ग्रह चैतन्य शक्ति की तरंगों से टकराकर साधक की ओर लौट कर आती है अद्भुत है अद्भुत है जिसके फलस्वरूप सभी साधक सभी जो भीतर में विकृतियां हैं साधक की जो भीतर की विकृतियां हैं वो स्वभावगान, शोदर्शन, क्रिया योग साधना शिविर में इस बीज मंत्र के माध्यम से दूर हो जाती है और मेरा प्रयास यही है कि आप स्वदर्शन क्रिया ये स्वदर्शन क्रिया है स्वभावगान, स्वदर्शन क्रिया योग साधना में डूब और मैं आपको वहां ले जाने का प्रयास करूंगा मेरा काम यही है इन नौ दिनों में कि आपका जो क्रोध है आपकी जो पीड़ाएं हैं, आपके जो रोग है आपकी जो व्याधियां हैं आपके जीवन की जो बाधाएं हैं आपके जीवन की जो हर्डल्स हैं आपके जीवन की जो रुकावटें हैं जहां आप अटके हुए हैं जिस पॉइंट पर आप अटके हुए हैं उन सारी पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिले उन सारी व्याधियों से आपको मुक्ति मिले सारे रोगों से आपको मुक्ति मिले लेकिन माध्यम यह है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना लेकिन एक बात है साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं मैं आपको वहां लेके जाऊं मैं आपको वहां जोड़ू मैं आपको वहां कनेक्ट करूं मैं आपके उस अंतराल उस टर्निंग पॉइंट, उस परम शक्ति के आसपास लाऊं सबसे पहले आपको एक सवाल करना होगा अपने आप से कि क्या आप परेशान हैं क्यों हैं आप परेशान क्यों आपको ये चिंताएं सता रही है एक सवाल अपने आप से आप करिए भीतर में ये ये शब्दों का विषय नहीं अपने अंतःकरण में अपने अंतस को झकझोरिए आखिर कब इन चिंताओं पर विराम लगेगा इन चिंताओं पर कब कब विराम लगेगा और उन्हीं चिंताओं के हल के लिए आज आप यहां आए हैं और ऐसा मन में भाव और विश्वास रखते हुए इस स्वगान क्रिया योग साधना में आप सम्मिलित हो ध्यान रखना भाई ये मार्ग बड़ा अद्भुत है मैं आपसे कह रहा था ना कि आप पहली उंगली को अंगूठे के साथ और अनामिका और मध्य पर जब 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 आप अग्नि तत्व वायु तत्व आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को मिलाते हैं ना अपनी अंगुलियों को इस मुद्रा में स्थित कर देते हैं ना तो हमारी ऊर्जा का दायरा बढ़ जाता है हमारी स्थिरता बढ़ जाएगी अग्नि तत्व वायु तत्व आकाश तत्व आप देखिए ना और पृथ्वी तत्व मात्र जल तत्व बचा हुआ है आकाश वायु अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी ये चार तत्व इन चारों तत्वों का मिलन होगा ऐसे और इस तरह हमारा ऊर्जा का दा, जो ही अपन इस मुद्रा को करेंगे मृत संजीवनी मुद्रा है इस मुद्रा को आप करेंगे मेरुदंड सीधा नब्बे डिग्री में शरीर एकदम शांत ज्यादा तनाव नहीं किसी तरह का कोई अकड़ नहीं किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं कोमलता से नेत्र बंद पल के ढकना चाहिए क्योंकि हमारी आंखें हमारे ये नेत्र मन और मस्तिष्क का द्वार है साथियों जब हम स्वगान स्वदशन क्रिया योग, साधना में जाते हैं तो पल के ढकी होना चाहिए स्वगान स्वदशन क्रिया योग, साधना में फिर नाद योग हो या शब्द योग हो चाहे अमृत योग हो चाहे ज्योति योग हो उसमें के ढकी होनी चाहिए और जब हम साधना को अपनाते हैं या साधना के दौरान किसी ध्वनि या मंत्रोचरण चाहे वो अंदर से हो चाहे बाहर से हो ये ये सारी मन की क्रियाएं इसलिए पलकों को ढकना बहुत जरूरी है और जब ही पलके बंद होगी ये मैंने देखा है कि हम जब कोमलता से जब हम मृतसंजनी मुद्रा लगाते हैं और कोमलता से आंखों को बंद कर लेते हैं और शरीर को हल्का सा ढीला छोड़िए शरीर में किसी तरह की अकड़न नहीं चाहिए शरीर में किसी तरह का तनाव नहीं चाहिए शरीर में किसी तरह की किसी तरह का कुछ दबाव नहीं चाहिए जो हम ऐसा करते हैं तो जो जो शब्द है ना जो जो हमारी चेतना है ना उस कक्ष में पहुंच जाती है जहां अपरमानंद की बारिश होती है उस कक्ष में पहुंचती है क्योंकि याद रखना साथी, आंखें खुली है मन के साथ है और मन मन के साथ है तो विचार है और विचार है तो सवालों की संकला जरूर होगी इसलिए मन बुद्धि से यदि आपको ऊपर उठना है तो वो शब्द वो शब्द योग स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधने का वो शब्द योग उसके आसपास हमें आना पड़ेगा वो, वो जो प्रणव शक्ति है जो अनंत शक्ति है जो दिव्य शक्ति है जो विश्व शक्ति है जो हमारे जीवन का आधार है उसके आसपास हम आ जाए अब उसके आसपास आने के लिए हमें हमारी जो ये श्वासों हैं उसके आसपास आना होगा ध्यान रखिएगा साथियों आजकल के इस परिवेश में सांसों पर बहुत सी क्रियाएं हो रही मैं कार्बन डाइ ऑक्साइड या ऑक्सीजन की चर्चा या श्वासों की नहीं कर रहा हूं मैं श्वासों की चर्चा कर रहा हूं उस कुर्म नारी श्वासों के।, के भीतर यानी उस कुर्म नारी तरफ झांकना होगा श्वासों को छेड़ना नहीं है श्वास अपनी गति से चले न लेना न छोड़ना है बस श्वासों के भीतर झांकना है और जब हमें श्वासों के भीतर झांकना आ जाएगा इसी का नाम क्रिया योग साधना है साथियों और यही आपको मन बुद्धि से ऊपर लेके चली जाएगी बहुत चर्चा हो गई है ना थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हम श्वासों में झांक ले विधि मैंने बताई है कि श्वासों में कैसे झांकना कैसे चंद्र घर सूर्य और सूर्य घर चंद्र कैसे इला घर पिंगला और पिंगला घर इला कैसे सुषमा के आसपास आया जाए सहज मार्ग मैंने आपको बताया है क्रिया, योग, के माध्यम से हम उस कुर्म नारी के स्पर्श करेंगे तो आनंद से जीवन झनकारित हो जाएगा मन बुद्धि से परे हो जाएंगे शरीर मन और आत्मा का अलाइंटमेंट का जरिया है शो अवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना अगले सवाल का जवाब दूं तब तक थोड़ी देर के लिए पुनः पहली उंगली मैं पुनः ये ये, ये प्रयोग बड़ा अद्भुत है पहली उंगली को अंगूठे के जड़ में दोनों अनामिका और मध्यमा के ऊपर अंगूठा सीधा बैठ जाइए श्वास को निछेड़ना है श्वास अपनी गति पे रहे न श्वास को लेना न श्वास को छोड़ना है श्वासों के भीतर में झांकना है और श्वासों के भीतर में झांकने का नाम है स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना कोमलता से बंद पुनः हम व्यवहारिक पक्ष पे आ रहे हैं अपनी वाणी में विराम देने जा रहा हूं शांत सहज सदगुरु आज्ञा में रहते मनमानी नहीं गुरु आज्ञा में रहते कि गुरु की आज्ञा ही गुरु की आज्ञा जाए कह कबीरता दास को तीन लोक भय ना श्वासों के भीतर झांकने का प्रयोग मैंने आपको बताया है सहज भाव से अपनी वाणी में विराम देने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए आप साधना में